बुलंदशहर जिले में शुक्रवार को नमाज के समय पर बहुत ही अलर्ट मोड पर रहा प्रशासन। जुमे की नमाज के वक्त हर एक तरह की तैयारी से चौक चौबंद रहा शासन प्रशासन। किसी भी अराजक तत्व का पूरी तरह जवाब देने में सक्षम। जिले के सिकंदराबाद में भी पूर्व संध्या को डीएम और एसएसपी के साथ साथ मुख्य संवेदनशील जगहों पर निकाला गया रूट मार्च और जांच में इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार संजय कुमार के साथ एसएसआई पटनीश यादव और सब इंस्पेक्टर इमाम जैदी व संजीव कुमार के साथ भारी पुलिस बल के साथ रूट मार्च कर पहुंचे। सभी मस्जिदों के बाद सबसे बड़ी व मुख्य जामा मस्जिद पर और वहां चौकस की सुरक्षा व्यवस्था साथ ही नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण होने पर इमाम साहब से सुरक्षा और शांति को लेकर किया संवाद। इस समय हम खड़े हुए हैं सिकंदराबाद की मस्जिद मुबारक जामा मस्जिद पर, जैसा कि अभी आपने देखा भारी पुलिस बल के साथ इंस्पेक्टर साहब से और साथ में एसएसआई महोदय और सारे सब इंस्पेक्टर उनके साथ थे। खासा पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था। सुरक्षा के बावजूद चाक चौबंद तरीके से बहुत सही तरीके से ठीक ठाक व्यवस्थात्मक तरीके से यहाँ पर नमाज संपन्न हुई है और सभी यहाँ पर नमाज अदा करने वाले थे शांति के साथ और उसके बाद सबको ठीक ठाक तरीके से संपन्न होगा। साथ में यहाँ से पुलिस बल जो है स्टैंड पे भ्रमण के लिए निकल चुका है। कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, ज्ञान न्यूज़, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।